बात ही नहीं करनी थी, बट व्हाट डिड यू लर्न मतलब एक चीज जो आप पढ़ाने के वैसे से हो सकते कि पढ़ाने के आपके और चैनल्स भी होंगे, बट जो आपका जो रोल है इसके अंदर मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ से कि कैसे खुद को एक ऐसा पर्सनैलिटी बनाया जाए कि मतलब लोगों के उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज दिख सके या फिर लोगों के एक मोटिवेशन का वो बन सके, जैसे आपका रोल होता है इसमें अकेडमी में कि आप सबको इतने ईजिली इतना मैनेज करते हो और सबको ऐसे ट्रीट करते हो कि जैसे मतलब बिल्कुल फैमिली है वो कोई नहीं होता है, वो स्टूडेंट हो आपके साथ काम करने वाले कोई नहीं हो, तो एक चीज़ है जो आपको अलग करती है। और दूसरा कि फिर कोचिंग अकेडमी नहीं है, तो मेरा मानना है कोचिंग अकेडमी बिल्कुल भी नहीं है, ये एक तरीका है कि लोगों को जिंदगी जीने का तरीका सिखा सके कि रिटर्न मतलब एक बहुत छोटी चीज़ है मेरे हिसाब से, जिंदगी में बहुत बड़ी जिंदगी है उसको अगर सही करना है तो वो चीज़ आपने बहुत अच्छे से उसे ऐसा नहीं कोचिंग ज्वाइन करने से यूट्यूब वीडियो से आपने कितनी बार सिखाया ये चीज़ों में सिर्फ पढ़ाई से नहीं थी बाकी आम चीज़ों के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया, तो वो चीज़ अलग कर दिया था, वो दिखता भी है ये चीज़ है और इसलिए आप ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो सकते। नहीं सक्सेस नहीं उस तो है वो है नंबर सफलता का पाना नंबर नहीं बट सक्सेसफुल इन द सेंस लोगों का जो नज़रिया आपको देखने का जो एक पॉजिटिव आउटलुक है वो सक्सेस होती है, ऐसा तो सर या फिर नंबर से सब छोटी चीज़ हो जाती है एक समय के बाद। नहीं वो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल है, सबसे बेस्ट वो लगता है जैसे ब्लड गाइडिंग किसी का आया तो मैंने वो स्टोरी लगा दी एंड उस बंदे को ब्लड मिल जा रहा है, तो वो मतलब मेरे मैं स्टोरी लगा रहा हूँ केवल इस बात पे अगर वो बंदा हॉस्पिटल तक जा रहा है तो वो चीज़ मेरे को अच्छी लगती है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि हाँ हर चीज़ परफेक्ट है, ऑब्वियसली देयर आर एरियाज जहाँ पे आई नीड टू वर्क ऑन माय एंड वर्किंग राइट, वो एक चीज़ है। दूसरा मे बी मैं सामने दिखता हूँ आप टीम से मिले हुआ आप मेरे बट आई हैव बीन लकी, मैंने कई बार बोला है ठीक है यहाँ पे लकी का टीम है जो कि जॉब की तरह इसको नहीं लेता, वो शिवानी की बात नहीं कर रहे हो शिवानी के अलावा जुदा ही लोग नहीं शिवानी, सो वो इसको जॉब की तरह नहीं लेते यार राइट, आई एम वेरी मच थैंकफुल कि वो जो फैमिली आपने प्रोड्यूस किया राइट वो इसलिए है कि यार शायद उनके साइड से भी वो चीज़ है, मेरे को वो फील नहीं होती है ना, मैं अगर एट टाइम चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं तब भी वो हैं वहाँ पर, चीज़ें अच्छी चल रही तब भी वो हैं राइट, तो वो कहीं ना कहीं एक जो सपोर्ट सिस्टम आपको लाइफ में चाहिए होता है जो पेरेंट्स हमारे करते हैं करते हैं वैसा ही यार लगी कि जितने भी लोग मेरे को मिले हैं लाइफ में है ना वो वैसी मैं राइट, सो वो सब कहीं ना कहीं उन सब की वजह से चीज़ें पॉसिबल हैं। अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर यार, और कुछ तो नहीं सब हो गया कुछ खाना तो नहीं अभी कुछ नहीं इफ लाइक ओके चल थैंक यू सो मच यार, एंड अगर और भी कुछ चीज़ें हैं जो आप फील की मैंने नहीं पूछा है तो भाई प्लीज़ कमेंट कर देना पूछो मैं, थैंक यू सो मच।